नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अक्सर इन्वेस्टर लोग एक गलत क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अभी म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न दे रहा है। इसको समझने के लिए एक बात बताइए, अपने मन से पूछिए कि मैं पूछूं कि गोल्ड में कितना रिटर्न मिल रहा है, तो आप कैसे पूछेंगे कि एक मंथ में गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया, या एक साल में कितना दिया, या 5 साल में कितना दिया। अभी गोल्ड कितना रिटर्न दे रहा है ये तो अधूरा क्वेश्चन है। पूरा समझने के लिए कि एक साल में कितना दिया, 2 साल में कितना दिया, 10 साल में कितना दिया, तो उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी जब भी क्वेश्चन पूछना है अभी कितना रिटर्न दे रहा है, ऐसे नहीं पिछले 1 साल में कितना दिया, पिछले 3 साल में कितना दिया, या 1 महीने में कितना दिया, ऐसे पूछना है। उदाहरण के तौर पे एक फंड का लेते हैं नाम SBI मिड कैप। यहाँ पे 12 लाख इन्वेस्ट किया किसी ने, तो 10 साल में बनाया है, इसका वैल्यू है 10 साल के बाद 75,42,000 रुपया। लेकिन पिछले 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना में देखते हैं, पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया है -7%। मार्केट डाउन हुआ है तो माइनस में रिटर्न है। फिर पिछले 3 महीने का बात करते हैं या 6 महीने का बात करते हैं, -1.73, -4% का रिटर्न दिया है। अब पिछले 6 महीना या 1 साल का बात करते हैं तो 6 महीने में भी -4% का रिटर्न है, और 1 साल में जाके 15% का रिटर्न है। मतलब 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था तो उसका पैसा नेगेटिव में है, लेकिन जिसने 1 साल से इन्वेस्टेड है उनको 15% का रिटर्न मिला है। जबकि पिछले 2 साल का अगर रिटर्न देखते हैं 50% का, और 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो 20% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। ये तो हुआ 1 साल के अंदर या 3 साल, 2 साल का बाद। लेकिन 10 साल का बात करते हैं तो पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू 75 लाख रुपये बनाया है, और रिटर्न के रूप में 20% का रिटर्न पिछले 10 साल में जनरेट करके दिया है। तो इसी तरह से जब भी क्वेश्चन पूछना है कि अभी कितना रिटर्न दे रहा है, तो आपको एक टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा कि कितने समय में आप पूछ रहे हैं। 1 साल में अलग है, 3 महीने में अलग है, 6 महीने में अलग है, तो अलग अलग है। सेम उसी तरह सोने को ध्यान में रखना है कि आपने पूछा कि सोना कितना रिटर्न दे रहा है, तो ये पूछना पड़ेगा 6 महीना पहले किसी ने खरीदा था उसका कितना रिटर्न है। किसी ने 1 साल पहले खरीद के रखा तो उसका कुछ और रिटर्न आया होगा। कोई 10 साल पहले से सोना खरीद के रखे हैं तो उनका कुछ अलग रिटर्न आया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि म्यूचुअल फंड में, मार्केट में कंपाउंडिंग किस तरह से होता है। डेली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है, कैसे होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो ऊपर नीचे डेली हो रहा है, जैसे सोना डेली ऊपर नीचे हो रहा है, चांदी डेली ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग डेली होता है। इसको समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपये आज इन्वेस्ट किया, एक दिन के बाद मार्केट 1% बढ़ गया तो पैसा आपका कितना होगा, 1,01,000। फिर अगले दिन मार्केट 2% बढ़ गया तो अब वो पैसा आपका कितना बढ़ के हो जाएगा, 1,03,020 रुपया। क्योंकि 1,01,000 का 2% बढ़ेगा तो 1,03,020 रुपया आएगा, क्योंकि ये 20 रुपया कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण आया। अब फिर अगले दिन 1,03,020 रुपया हो गया, अगले दिन मार्केट 2% डाउन हो गया, तो इस पैसे का 2% होगा, ना कि जो आपने मूलधन 1 लाख लगाया था उसका 2% 2 ही हजार होता है। लेकिन यहाँ पे जो डाउन होगा ये पैसा मूलधन माना जाएगा, जो पैसा पहले दिन था, पिछले दिन था, अब जो मार्केट बढ़ेगा घटेगा वो उस पैसे पे होगा। तो यहाँ ये मूलधन माना जाएगा, ना कि जो आपने 1 लाख पहले लगाया था उससे कोई मतलब नहीं। आज के डेट में क्या दिख रहा है, और मार्केट करेंटली 2% डाउन हुआ है, तो इस पैसे पे 2% डाउन हुआ तो अब पैसा बचा 1,09,59 रुपया बचा। तो कंपाउंडिंग जब भी मार्केट में होता है, कोई भी चीज़ जो डेली ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस में, वहाँ पे कंपाउंडिंग डेली होता है। शेयर का बात करें तो शेयर का में हर पल होता है। मतलब अभी 1 लाख रुपये लगाया, 10 मिनट के बाद आपने सेल कर दिया, 1,02,000 हो गया। फिर से लगाया 15 मिनट के बाद 1% गिर गया, तो अभी जो पैसा लगाया उसका 1% गिरेगा। तो यहाँ पे शेयर में क्या हो रहा है, हर पल कंपाउंडिंग हो रहा है। सुविधा के लिए 1 साल बोला जाता है कि भाई इतना ऊपर नीचे हो रहा है, 365 दिन ऊपर नीचे होते जा रहा है, सुविधा के लिए हम बोल देते हैं कि 20% का रिटर्न दिया तो कंपाउंडिंग कितना हुआ, 20% हो गया। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।